लेट्स स्टडी द पोएम सुप्रीमो। आगे भी मैंने आपको बताया कि सुप्रीमो का मीनिंग क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है वो सन का है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पोयम है वो सन के इम्पोर्टेंट होने के बारे में। हम सब भी जानते हैं कि अर्थ के लिए सन कितना इम्पोर्टेंट है और हमारा सबका जो एग्जिस्टेंस है वो भी सन पे डिपेंड है। तो ये पोयम इसके बारे में है। व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप व्हेन द ग्रेट सन कम्स अप एट डाउन, जब भी जो ग्रेट सन होता है वो सुबह में जल्दी आता है। He's the king of the sky. वो उस टाइम क्या होता है, स्काई का किंग होता है। जब भी अर्ली मॉर्निंग में सूरज क्या होता है, राइज होता है, तो उस टाइम क्या होता है, पूरे आकाश में वो किंग होता है। He says to the stars. वो स्टार्स को कहता है, Get out of my sight. मेरी दृष्टि से आप चले जाओ। Sights मतलब नज़र से, दृष्टि से चले जाओ। Get out मतलब चले जाओ। Be gone. Go away. दूर चले जाओ। Get out of my sights. Be gone. तो वो जो सन है वो स्टार्स को कहते हैं, आप सब मेरी दृष्टि से दूर चले जाओ। And the moon turns perfectly white. और उस टाइम मून किस में चेंज हो जाता है, टोटली वाइट कलर में चेंज हो जाता है। इन द पावरफुल लाइट, तो जो पावरफुल लाइट होती है, लाइट यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, सन के बारे में बात की गई है। तो सन की पावरफुल लाइट में मून होता है वो किस में चेंज हो जाता है, परफेक्टली वाइट हो जाता है। देन ही क्लाइम्ब द स्काई, जब धीरे धीरे वो स्काई में क्लाइंब करता है। क्लाइंब मतलब यहाँ पे सन के राइजअप होने की बात की गई है। जैसे धीरे धीरे सन स्काई में राइजअप होता है, टू द हाइट ऑफ नून, तो आफ्टरनून की जो हाइट होती है। एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, उस टाइम वो अपने थ्रोन मतलब आसन जो होता है वहाँ पे वो बैठ जाता है। Brighter than bright and reigns alone. तो जो ब्राइट है उससे भी ज़्यादा ब्राइट होके वो शाइनिंग करते हैं। एंड reigns alone, और पूरे स्काई में वो अकेले शासन करते हैं। कौन? सन। सन ब्राइटर से भी ब्राइटर चमकने लगते हैं और पूरे स्काई में वो अकेले शासन करते हैं। But when he descends in the afternoon, the shadow grow long. जब वो आफ्टरनून में डिसेंड मतलब गो डाउन, धीरे धीरे सेट्स की ओर बढ़ रहा होता है, तो शेडो ग्रो लॉन्ग, तो शेडो कैसा होता है, लंबा हो जाता है। एंड पावर बिगिंस टू एब एंड वैन, तो उस टाइम उसकी जो पावर होती है, एब उसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था, टू बिकम लेस। एंड अगेन वैन का जो मैंने आपको मीनिंग समझाया था उसका मीनिंग होता है भी टू बिकम लेस। तो जैसे ही सन सेट्स की ओर, सेट डाउन होने की ओर बढ़ते जा रही है, उस टाइम उनकी जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एंड वैन ही गोस डाउन, और जब वो सेट होने की ओर चल पड़ते हैं, इन हिज किंगली वे, उनके जो राजा की तरह जाने की जो छटा है, एट द एंड ऑफ द डे, दिन की एंड में, ही सीजेस टू रेन, द डार्कनेस फॉल, द स्टार्स कम आउट एंड नाइट रिटर्न्स टू द वर्ल्ड अगेन। तो उस टाइम क्या होता है, ही सीजेस टू रेन, सीज का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि स्टॉप होना। तो धीरे धीरे जो अपना रूल ओवर जो कर रहे थे स्काई में, उसको धीरे धीरे स्टॉप करते हैं। कौन? सन। द डार्कनेस फॉल, तो धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। द स्टार्स कम आउट, ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स बाहर आते हैं। एंड नाइट रिटर्न्स, तो अगेन क्या आ जाता है, नाइट आ जाती है। टू द वर्ल्ड अगेन, तो वर्ल्ड में अगेन क्या होता है, डार्कनेस छा जाती है, स्टार्स बाहर आते हैं और अगेन नाइट आ जाती है। तो यहाँ पे ये पोयम
मैरी ब्राइटन मिलर ने लिखी है। तो ये पोयम में क्या बताया है कि सुप्रीमो, सुप्रीमो कौन दिखाए गए हैं यहाँ पे, सन बताए गए हैं। तो सन की यहाँ पे महत्वता की बात की गई है और सन को पूरे स्काई का किंग बताया गया है। उस टाइम क्या करते हैं सन के स्टार्स को और मून को ऑर्डर देते हैं कि आप सब मेरी आई साइड से चले जाओ। आफ्टरनून में वो क्या करते हैं, ही सीट्स ऑन द थ्रोन एट नून। तो पूरे स्काई में वो अपने आसन पे बैठ जाते हैं और ब्राइटर एंड ब्राइटर शाइन करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून का टाइम आता है तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना जो रूल बनाया हुआ है, रूल ओवर करते हैं ना स्काई में सन, तो धीरे धीरे वो घटने लगता है। उसके बाद अंधेरा छा जाता है और फिर नाइट आ जाती है। तो ये हो गया हमारा जो द सुप्रीमो वाला जो पोयम था वो, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और समझना भी है।